सुबह खैर, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सर्दों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम फादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है। आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शोले हुए बाइबल टीवी ग्लोबल लर्नर स्टूडियो से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा और आपका साथ लेकर जी आज सुबह 10 बजे तक, और हमारे साथ खुदा के बड़े खूबसूरत नौजवान पास्टर जैन अल्बर्ट मौजूद हैं, पास्टर जैन अल्बर्ट कराची से हम उन्हें वेलकम कहते हैं और खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं उनकी जिंदगी के लिए और खुदा उनकी इस मेहरबानी के लिए खुदा ने मुमकिन किया कि वो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। वेरी गुड मॉर्निंग जैन, कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच बाबा जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून फ्रॉम पाकिस्तान। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद के प्लान, खुदावंद के इरादे हमारी समझ, हमारी सोच और हमारे प्लान्स के बिल्कुल बरक्स होते हैं। एंड मैं बस बैठा हुआ था ऑफिस में और सोच रहा था कि कल मसरूफिया आता है कुछ, तो क्यों ना आज ज्वाइन किया जाए। और टू बी ऑनेस्ट, मैं खुद बहुत एक्साइटेड होता हूँ। ये मेरा तीसरा मौका है आपके साथ इस ब्रेकफास्ट शो में, और जब भी मैं आया हूँ मैंने बहुत कुछ आपसे सीखा भी है और बहुत कुछ लर्न भी किया है और हमेशा बरकत पाई है इस शो के वसीला से। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप गाय बगाए मौका देते हैं। आई रियली अप्रिशिएट। आपको बड़ी बरकत दे, लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। यस, फीडबैक आ रहा है आपकी तरफ से, मैं उनके लिए भी शुक्रगुजार हूं जो लोग फीडबैक दे रहे हैं, बरकत पा रहे हैं। बस ये सारा जलाल, सारी इज्जत उसी को मिलता रहे। बुजुर्ग पौलुस कहते हैं, खुदा ना करे कि मैं मसीह की सलीब के सिवा किसी चीज पर फख्र करूं। ये सारा कुछ, ये सारे ताज, ये सारी शौहरत, सारी चीजें, शौहरत सब उसी के कदमों में। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप मिशन ट्रिप पर थे, आपको इस्लाम आबाद, इसलिए आपसे रब्ता नहीं हो पाया। yes. लेकिन आपने आपकी कमी को बड़ा महसूस किया और आज हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि आप, हालांकि प्लान तो यह था कि आप कल खुदा का पास आए। यस, एग्जैक्टली। तो मैं अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से बहुत ही थोड़ा सा इस बारे में डबल माइंडेड था कि आज की रिकॉर्डिंग चलाऊं या मैं प्रोग्राम करूं। तो अच्छा हुआ आपने फोन कर दिया और आज आप हमारे साथ हैं। तो मेरे भाइयों, खुदावन जो है वो इंतजाम करता है, खुदावन हमारी रूहानी और जिस्मानी जरूरियात को जानता है। तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप सुबह सवेरे हमें इंस्पायर करते हैं। यू आर अ ड्राइविंग फोर्स। जब आप इंतजार करते हैं, खुदा का पाक कलाम सुनना चाहते हैं, तो ये चीज जो हमें तैयार करती है कि हम आपके लिए खुदा का पाक कलाम जो लेकर आए। तो आइए खुदा के पाक कलाम की जानिब बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप इस लिंक को आप अपने दोस्तों अजीजों के साथ शेयर करें। हम वेलकम कहना चाहते हैं उन तमाम दोस्तों को जो कि ऑलरेडी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन हमारी जो टीम है ना, जो एल्डर साहबान है, वो बहुत प्यार करते हैं, और हमारी प्यारी बहन एल्डर विनय सल्ला रखा और एल्डर अरुण सिंह रेगुलर ये सुबह सवेरे आपको, आप जानते हैं कि जब खुदावन के लोग जो हैं वो साथ मिलकर काम करते हैं तो खुदावन जो है वो कामयाबी बख्शता है। तो हम देखते हैं कि जब मूसा जो है वो दुआ कर, तो उसके हाथ जो है वो उसके साथी जो है उठाए रखते थे और बूढ़ा हो गया था, तो इसी तरह जो है ये लोग जो है मेरे साथी जो है मेरे हाथ उठाए रखते हैं, हम वेलकम करते हैं। तो सुहेल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो आइए खुदावन के पाक कलाम को हम देखते हैं। आज का जो ओपनिंग डिवोशन है उसको मैं आपके लिए तलावत करना चाहता हूँ, उस वेद को फिलिपियों का 4:4-7। फिलिपियंस चैप्टर 4:4-7। खुदावन के सुंदर पाक कलाम को सुनिए। खुदावन में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूं कि खुश रहो, तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावन करीब है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। अगर आपको एक्सपीरियंस हुआ हो जो राइड होती है, जो झूले जिसको हम कहा जाते हैं, तो उस पे बहुत दफा लोग जो है वो खुशी खुशी बैठ जाते हैं और फिर उसमें क्या होता है कि जब वो राइड जो है वो सर्कल में जाती है और जहाँ बड़ी बड़ी डेंजर किस्म की राइड हो तो लोग जो चलाना शुरू कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो एंजॉय करते हैं ना, वो कह के लगा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। तो दोनों तरह के लोग होते हैं, कुछ जो है वो डरे सहमे होते हैं, कुछ जो है वो एंजॉय कर रहे होते हैं। सो एंजॉय योर राइड। हम इस दुनिया में
यही समझे कि आप एक झूले में बैठे हुए हैं और वो झूला जो है चल रहा है और उसमें हर तरह के लोग हैं, तो आप खुशी से इसमें सफर करें और एंजॉय करें इस राइड को। खुदावंद का बंदा जो ये लिख रहा है, आपको मालूम होना चाहिए कि पौलुस रसूल के 13 खतूत है नए अहदनामा में, और पौलुस रसूल ने बहुत दुख सहे, उसने मसीहों को दुख दिए भी और दुख सहे भी। पहले वो मारने वाला था, फिर मार खाने वाला बन गया। दमिश्की राह पर खुदावंद ने उसको चुना जब वो साऊल था, और फिर खुदावंद ने उसको अपनी खिदमत के लिए, गैर कौमों के लिए उसने खुदावंद ने उसको चुना। तो वो शख्स जो है वो लोगों को तसल्ली देता है और मुख्तलिफ कलीसियाओं में वो जाता और लोगों को तैयार करता खुदावंद की बादशाहत के लिए। और हम इन आयात में इस बात को देखते हैं कि खुदावंद का बंदा कहता है कि खुदावंद करीब है और किसी बात की फिक्र, बड़े देखने में तो ये चंद अल्फाज लगते हैं, किसी बात की फिक्र ना करो बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। तो वो ये कहता है कि शुक्रगुजारी किया करो, खुदावंद के हुजूर खुश रहा करो। किसी को ये कहना अच्छा खुश रहे, बज़ाहिर अगर कुछ मुश्किल में है, परेशानी में है, लोगों की मुख्तलिफ परेशानियां हैं, मुख्तलिफ मसाइल हैं, तो अगर आप उनको ये कहते हैं अच्छा जी आप खुश रहें, तो कहेगा यार खुश मैं क्या रहूं, मेरी तो ये मुश्किल है। लेकिन देखें खुदावंद जो है वो आपके दुख तकलीफ मुसीबत, वो ये नहीं कहता कि आपको दुख नहीं होंगे, वो ये नहीं कहता कि आप बीमार नहीं होंगे, वो ये नहीं कहता कि आपको फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होंगे, लेकिन इन तमाम मसाइल में खुदावंद जो है वो हमें तकवीत बख्शता है। जैसे मैंने राइड की बात की है, कुछ लोग जो है उसको एंजॉय करते हैं, कुछ वो चलनी है राइड तो चलनी है, तो कुछ जो है कराते हैं जी उतारे मुझे, मैं तो नहीं जाना चाहता, मैं मुझे उतार लें। तो यही बात है, आपने दुखों में से गुजरना है, आपने मसाइल में से गुजरना है, आजमाइशों का सामना करना है। अगर आप बुड़बुड़ाएंगे जैसे कि बनी इसराइल थे, तो वो बहरे कुलजम के किनारे खड़े थे, बुड़बुड़ा रहे थे कि जी तू मैं यहाँ ले आया, मूसा को कह रहे थे, लड़ रहे थे, तो मिस्र में क्या कब्रें कम थी, तो उसने कहा खामोश रहो, चुपचाप खुदावंद के काम को देखो, जिन मिस्रियों को आज तक उन्होंने कभी ना देखोगे। तो वो उस समुद्र पर से गुजर गए, जमीन पर से गुजर गए, समुद्र सूख गया, तो उसी तो खुदावंद ये नहीं कहता कि आग में से नहीं आप गुजरोगे, खुदावंद ये नहीं कहता कि पानियों में नहीं से गुजरोगे, खुदावंद ये नहीं कहता कि आपको शेरों की मार में नहीं डाला जाएगा, लेकिन खुदावंद ये जरूर कहता है कि जब भी जहां भी आप होगे मैं तुम्हारे साथ हूं। तो हर वक्त खुश रहा करें, दुख में, तकलीफ में, सताए जाने में, तंगी में, मुश्किल में, सुबह सवेरे उठ के तो खुदावंद की शुक्रगुजारी किया करें जैसे भी हालात हों। मैं छोटी सी आपको स्टोरी जो है वो शेयर करना चाहता हूँ कि ये एक बज़ाहिर जो है बात जो बड़ी मायूब सी लगती है, लेकिन जब आप इन बातों पर गौर करते हो ना तो आपको मालूम होता है कि वाकई खुदावंद की शुक्रगुजारी करना किस हद तक जरूरी है। जो शेख सादी थे, ये बहुत बड़े प्रोफेसर भी थे, तो शेख सादी जो है वो कहते हैं वो जा रहे थे तो नंगे पांव थे, तो लोग जो है बगियों पे जा रहे थे, घोड़ों पे जा रहे थे, उन दिनों में बगियां घोड़े होते थे, तो शेख सादी गर्म जमीन पर चलते हुए जा रहे, पांव में जूती नहीं है, तो उन्होंने गिला करना शुरू कर दिया खुदावंद से, खुदावंद ये क्या बात है, ये नाइंसाफी है, देखें लोग जो है वो कितने मजे में है, कोई बगियों पर जा रहा है, कोई घोड़ों में जा रहा है। तो जब थोड़ी दूर गया तो आगे उसने देखा कि एक भिखारी बैठा हुआ था और उसकी दोनों टांगे नहीं थी। उसने खुदावंद का शुक्र अदा किया, खुदावंद तेरा शुक्र हो, अगर मेरे पास जूती नहीं है, मेरे पास पांव तो है। तो जो नेमतें खुदावंद ने दी हैं आपको, आप उनके लिए खुदावंद का शुक्र अदा किया करें, फिक्र ना किया करें। खुदावंद ने बार बार ये जो लफ्ज है ना, फिक्र ना करें, डरो मत, ये बाइबल मुकद्दस 365 मरतबा ये लफ्ज आया है, हर रोज के लिए ये लफ्ज है, मत डरें, फिक्र ना करें, खुदावंद जो है वो हमारे करीब है, वो हमारी फिक्र करता है। आइए दुआ मांगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि खुदा के इत्मीनान जो कुछ समय से बाद वो हमारे दिलों और ख्यालों को रोशन करता है। आइए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, जो कुछ भी खुदावंद ने हमें दिया है उसके लिए खुदावंद का शुक्र करें। तो मैं पास्टर ज़ैन से दरख्वास्त करूंगा कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आइए दुआ मांगे। थैंक यू जीसस। पास्टर ज़ैन दुआ कीजिए। यस प्लीज। आसमान और जमीन के जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी ताज़ीम करते हैं, क्योंकि खुदावंद तू भला है, तेरी शफ़क़त अब्दी और तेरा प्यार निराला है, और तेरी वफादारी खुदावंद अज़ल से अब तक हमारे साथ यकसा है, और तेरा कलाम क्या खूबसूरत बात आज सुबह हमसे करता है कि किसी बात की फिक्र ना करो,
खुदावंद तूने आप भी फरमा दिया कि तुम फिक्र करके अपनी जिंदगी में एक घड़ी को भी ना बढ़ा सकते हो ना कम कर सकते हो। वो खुदा जो चिड़ियों को खुराक देता है, जो सारी जानदारों को, निबातात को, हैवानात को खुराक देता है, उसका कलाम कहता है वो अपनी मुट्ठी खोलता और हर एक जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। तो खुदावंद हमारी कदर उन चिड़ियों से बढ़कर है, खुदावंद हमारी वैल्यूज दूसरी तमाम चीजों से बढ़कर है, क्योंकि तूने इंसान को खुदावंद अपनी सूरत और शबी पर बनाया है और वही सूरत तूने अपने हाथ पर खोद रखी है जिसे कभी कोई मिटा नहीं सकता। हम खुदावंद आज के इस दिन का आगाज खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से करते हैं जो हमारा मददगार है, जिससे हम जेन्युइन हुए हैं, जो हम पर मोहर किया गया है। हम तेरी मिन्नत करते हैं आज के सारे शो में खुदावंद, मैं बाबा जी को, पास्टर नोबल को और सारे अपने देखने वाले व्यूअर्स को खुदावंद तेरे बेटे के खून में छिपाता हूं। जब तक हम इस शो पर खुदावंद लाइव रहें, कलाम हो, गीत गाए जाएं, सुने जाएं, तो खुदावंद तेरा मसा, तेरी हुजूरी, अनॉइंटिंग, तेरा अबर तेरे लोगों पर ठहर जाए और जहां जहां जिस जिस जगह पर जिस जिस कैपेसिटी में खुदावंद इंडिविजुअली कलेक्टिवली हम मौजूद हैं, तेरा आसमान हम पर खुल जाए और खुदावंद तेरी बरकतों और रहमतों की बारिश हम पर निछावर हो जाए। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, यीशु मसीह के कादर नाम से दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आइए अजीज़ो, खुदावंद की तारीफ करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं और ये खूबसूरत गीत यकीनन आप पसंद करेंगे, तो पहचान लेंगे कि आप ये कौन हैं जो कि खुदावंद की तारीफ कर रहे हैं। तो ज़ैन हेल्पर्ट हैं जो कि खुदावंद की हम्द सना कर रहे हैं। तो आइए खुदावंद की स्तुति करते हैं, उसकी हम करते हैं। बलिदान हो गया, मौका दिया है कफारा, मसीह कुर्बान हो गया, बलिदान हो गया, मौका दिया है कफारा, मसीह कुर्बान हो गया, यीशु है कफारा, यीशु है कफारा। सूली पे चढ़ कर हमको बचाया है, कैदियों को तूने आजाद कराया है, सूली पे चढ़ कर हमको बचाया है, कैदियों को तूने आजाद कराया है, सूली पे चढ़ गए हमको बचाया है, कैदियों को तूने आजाद कराया है, अमान हो गया, तू ही सहारा है, तू ही कफारा है, मेरी टूटी नैया का तू ही किनारा है, तू ही सहारा है, तू ही कफारा है, मेरी टूटी नैया का तू ही किनारा है, तू ही सहारा है, तू ही कफारा है, मेरी टूटी नैया का तू ही किनारा है, मेहरबान हो गया, मौका दिया है कफारा, मसीह कुर्बान हो गया, शान तेरी सबसे निराली है, कब्रों में तेरी सुकबर ही खाली है,
शान तेरी सबसे निराली है, कब्रों में तेरी यीशु कब्र सबसे निराली है, कब्रों में तेरी यीशु कब्र ही खाली है, फतह का निशान हो गया पापों का दिया है कफारा, मसीह कुर्बान हो गया, बलिदान हो गया, पापों का दिया है कफारा, मसीह कुर्बान हो गया, पापों का दिया है कफारा, मसीह कुर्बान हो गया। बहुत खूबसूरत शायरी। पास्टर साहब मुझे एक बात बताइए, जब आप ये गीत आप रिकॉर्ड करवाते हैं और जब लोग सुनते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है, जब ये पैगाम गीतों के जरिए लोग तक पहुंचता है तो आप कैसा महसूस करते हैं? बड़ा सिली सवाल है लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं आपके दिल का हाल जो है वो जानना चाहता हूँ। पास्टर जी, मैं बहुत सारी गवाहियां, मेरे हर गीत के साथ कोई ना कोई गवाही कनेक्टेड है। आपको मेरा पहला गीत याद होगा, आप अक्सर चलाते भी हैं, कल की फिक्र ना करो, कल अपनी फिक्र आप करें। मेरा फेवरेट गीत है, बहुत वो मेरा पहला गीत था जिससे खुदा ने फिर मुझे शोहरत दी। इवन के वो गीत जो इंडिया का रेडियो मिर्ची 99 है, वो गीत उस पर भी चला हुआ है, उन्होंने भी वो गीत प्ले किया था। तो जो गीत वो बना रहा था, उसका नाम जोशवा नाम है उसका म्यूजिक प्रोड्यूसर का, जो उसके म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहा था, और उसमें कुछ पार्ट जो हमारे बड़े फेमस पाकिस्तानी सिंगर हैं अहमद जानजेब साहब, कुछ उनके भी आइडियाज हैं उस गीत के अंदर, क्योंकि उनके स्टूडियो में हमने ये गीत रिकॉर्ड किया था। तो वो म्यूजिक प्रोड्यूसर कहता है कि मेरा एक बहुत पुराना चेक फंसा हुआ था, किसी ने मेरे तकरीबन कोई 3 लाख रुपए देने थे, और मैं कई दफा उसके तरले डाल चुका, कई बार उसको मैं कह चुका, गुस्से से भी, मोहब्बत से भी, प्यार से भी, लेकिन वो बंदा था कि वो मेरे पैसे देने का नाम नहीं ले रहा था। तो कह रहा मैंने बिल्कुल छोड़ दिया हुआ था, और जब आपने ये गीत की डमी रिकॉर्ड कराई और मैं मुसलसल इस गीत को सुन रहा था, क्योंकि जब म्यूजिक बन रहा होता है तो बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं जब म्यूजिक प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो कह रहा है इस गीत ने मुझे अजीब सी ना एक तसल्ली देना शुरू कर दी कि कल की फिक्र ना करो। तो मेरा ध्यान बार बार अपने उस चेक की तरफ जाता था, और वो कहता है कि मैंने फैसला कर लिया कि मैंने आइंदा के बाद उस शख्स को कभी नहीं कहना कि आप मुझे वो पैसे दें। कहता जैसे ये मैं गीत 2-3-4 दिन के बाद बनाकर मैंने इस गीत को रखा कि मैं बस अब आपको बुलाऊंगा कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग करूं फाइनल, कहता उस शख्स की मुझे कॉल आती है, और वो मुझे कॉल करते कहते कि मैं आपसे बहुत ज्यादा माजरत खाऊं कि मैंने आपको बहुत तंग किया, लेकिन पता नहीं 3-4 दिन से कोई चीज मुझे बेचैन कर रही है कि मैं फोन करके आपके पैसे आपको वापस दूं। तो कहते इस गीत ने मुझे ऐसी तसल्ली दी और मैंने अपने पैसों की फिक्र करना छोड़ी और वो पैसे खुद चलकर मेरे पास मेरे अकाउंट में आ गए। मैं एक चीज को जो नोटिस करता हूँ आपके गीतों में, कलाम इसमें बहुत, मतलब इसकी जो बेस है वो बिब्लिकल, आमतौर में देखा कि अजीब तरह के गीत बने हुए हैं, मैं उनको यहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन आपके जैसे भी कल की फिक्र ना करो, कल की फिक्र आपका लिए, मतलब खुदा यीशु मसीह के जो अल्फाज हैं मत्ती की इंजील के, और फिर अभी जो आपने के बलिदान हो गया, ये सारे जो इनके जो मैं समझता हूँ ये आयात हैं जिनको आपने गुनगुनाया, इनको कंपोज किया, तो ये बड़ा एक अच्छा है कि इसमें कलाम पाया जाता है। अभी मैं अपने अजीजों को जो कि इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, एक खास बात जो मैं आपके जरिए आपके प्रोसेसन तक पहुंचाना चाहता हूं, और मुझे मालूम है कि पाकिस्तान में जो खासा एक ये कठिन काम है, तो वुड यू प्लीज टेल अस के इसकी जो कॉस्ट है एक सॉन्ग की वो कितनी आती है, अपार्ट फ्रॉम योर पर्सनल स्ट्रगल जो है उसको मैं बात नहीं करूं, वो तो कॉस्ट है, वो तो उसकी डिमांड ना करें ना, जो एफर्ट होती है, लेकिन जो फाइनेंशियल जो इस पे जो उसकी जो कॉस्ट है वो। मैं जरूर पास्टर जी, पहले जब आपको अच्छी तरह याद होगा, आप बहुत ज्यादा मुझसे सीनियर है, पहले कैसेट का दौर होता था, कैसेट आती थी तो वीडियो विजुअल्स का इतना दौर नहीं था, फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की हुई तो फिर डीवीडी का सीडी का दौर आया, उसमें फिर जो है वो वीडियो, पहले क्रोमा पर वीडियो बना करती थी, क्रोमा एक ग्रीन कपड़ा होता है उसके ऊपर खड़े होकर आप शूट करते हो और पीछे वो एडिट हो जाता है, लेकिन अब जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं अब चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई हैं, बहुत ज्यादा जिद्दत आ गई हुई है हर चीज, शूटिंग बहुत ज्यादा है,
बहुत ज्यादा चीजें बढ़ गई और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर मैंने एक गीत बनाया उसके अंदर मैंने ड्रोन इस्तेमाल किया, उसके अंदर मैंने डिफरेंट लेंसेज इस्तेमाल किए, तो जो मेरे साथ मेरा कॉम्पिटिटर है वो कहेगा यार उसने ये किया तो मैं इससे बढ़कर ये वाले कैमराज यूज करूंगा, मैं इससे बढ़कर ये वाला काम करूंगा। हालांकि हमारा कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन इंसान होते हुए इंसान के अंदर ये सोच आती है कि यार मैं दूसरे से बेहतर काम करूं। तो पहले जब डीवीडी का दौर था तो उस टाइम पर 10-15 हजार 20 हजार रुपए में पूरी सीडी रेडी हो जाती थी जिसके अंदर 7-8 गीत होते थे और 15-20 हजार में वो सीडी मुझे याद है कि रेडी हो जाती थी। लेकिन अब अगर आप सिर्फ ऑडियो की बात करें ना, उससे वीडियो निकाल दे, क्योंकि वीडियो इज मोर एक्सपेंसिव देन ऑडियो। ऑडियो इतनी महंगी नहीं बनती, वीडियो पर ज्यादा एक्सपेंसिव आते हैं क्योंकि वो आउटडोर होती है, उसमें आपको मुख्तलिफ कैमरा चाहिए होते हैं, उसमें आपको हेयर स्टाइलिस्ट चाहिए होते हैं, उसमें आपको मेकअप आर्टिस्ट चाहिए होते हैं, उसमें आपको कन्वेंस चाहिए होती है, फिर जो वीडियो बनाने वाला डीओपी होता है, आपको भी जरूरत पड़ती है मेकअप करना पड़ता है थोड़ा सा क्योंकि वो लेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ताज जेवर की जो खूबी खुदा ने दी तो थोड़ा बहुत जो है वो क्योंकि डीओपी की तरफ से होता है तो वो थोड़ा बहुत टचअप करते हैं ताकि जो कलर करेक्शन है उसे वो बेहतर कर पाए। फिर वो हेयर स्टाइलिस्ट साथ गए होते हैं, कॉस्ट्यूम वाले होते हैं, बार बार हर सीन में आपने देखा इस गीत में मैंने 3-4 कॉस्ट्यूम चेंज किए, तो उसमें ये सारी चीजें मैटर करती हैं। आज के दौर में अगर बहुत हाथ खींच कर भी बाबा जी गीत बनाए ना तो 50,000 रुपए लग जाते हैं पूरे गीत को बनाते बनाते। अमाउंट पाकिस्तान में रहते ऐसा ही है, लोग कम में भी, कम बजट में भी हो जाते हैं, 20,000 में भी हो जाते हैं, 30,000 में भी, लेकिन वो बहुत बेसिक सा होता है। जिस तरह अगर आप बहुत बड़ी वीडियो बनाना चाहते हैं, अच्छी वीडियो बनाना चाहते हैं, तो 40-35-40-50 फिर आगे चला जाता है मैक्स तक, इसमें जो है वो बनता है। लोग तो 2-2 लाख के भी बना रहे हैं, पिछले दोनों एक गीत बना उसमें 2 लाख रुपए की उन्होंने सिर्फ वीडियो डाली है, उन्होंने ब्लैक मैजिक से उसकी वीडियो बनवाई और बहुत सारे लेंसेज और लोकेशंस ड्रोन्स, तो ये काम जितना ये गोल डालें उतने मीठे वाला काम है। ये ब्लैक मैजिक का जो नाम है, एक सॉफ्टवेयर आप कह लें कि कंपनी, हाँ जी, ये कैमरा है बेसिकली ब्लैक मैजिक मैजिक ब्लैक मैजिक कैमरे का नाम है नया, बिल्कुल ये लेटेस्ट वर्जन है कैमरे, ये सॉफ्टवेयर है मुख्तलिफ तरह के इस कंपनी। तो आइए हम एक और गीत सुनते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो गीत है ये हमाद बेली जो है बहुत अच्छे गॉस्पेल सिंगर गिटारिस्ट है, पाकिस्तान के बड़े मशहूर और बड़े अच्छे गॉस्पेल सिंगर भी हैं ये, और उनकी अहलिया रेवरेंड सैली जो है वो हमारे चर्च में होंगी और 9 अक्टूबर को ये प्रोग्राम होगा, तो आप सबको दावत है कि आप आए और खुदा उनकी हम्द व सलाम करेंगे, तो यकीन आप बरकत पाएंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पास्टर आरिफ रॉजर हैं उनकी टीम के एक जो साथी हैं अजीम भट्टी, वो भी हमारे साथ होंगे और बड़े अच्छे वो म्यूजिशियन भी हैं, गॉस्पेल सिंगर भी हैं, तो आप आए जरूर 2 बजे और बरकत पाए। इस संडे जो होली कम्युनियन का संडे भी है और हार्वेस्ट संडे भी है, तो आप जरूर हमें ज्वाइन करें 10:30 इंग्लिश में और 2 बजे उर्दू में हम भी बात करते हैं। तो ये 2 प्रोग्राम जो मैंने आपके साथ बांटे हैं। देखिए हमारे साथ जैन इतनी दूर दूर से लोग जो हैं वो शामिल होते हैं, सऊदी अरेबिया से हमारे साथ सलेमान अनिल हैं, बड़े रेगुलर हमारे कॉन्ट्रीब्यूटर हैं, हम उनके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। तो आइए ये खूबसूरत गीत सुनते हैं और उसके साथ ही आप अपनी बाइबल मुकद्दस को ले लें ताकि खुदा के खादिम से हम खुदा का पाक कलाम जो है वो सीख सकें। तो आपकी नोटबुक, आपकी बाइबल मुकद्दस आपके पास होनी चाहिए। आइए खुदा की तारीफ करते हैं, उसकी साइश हो। अगर मैं फरिश्तों की बोलूं ज़ुबानें, फलक से भी ऊंची हो मेरी उड़ानें, अगर मैं फरिश्तों की बोलूं ज़ुबानें, फलक से भी ऊंची हो मेरी उड़ाने, मगर मैं मुहब्बत न रखूं तो देखल के जैसे फकत ठन ठनाता हो पीतल, या फिर झंझनाती हुई झांझूं मैं, मोहब्बत नहीं तो फकत बाज हूं मैं।
इल्म से आशना अगर मैं हर एक भेद को जानता हूँ अगर है नबुव्वत की नेमत भी हासिल यहाँ तक है ये मेरा ईमान कामिल पहाड़ों को उनकी जगह से हटा दूं नामुमकिन को ईमान से मुमकिन बना दूं मगर मैं मोहब्बत न रखूं नगर में तो कुछ भी नहीं हूँ मैं उसकी नजर मुहब्बत है साबे मुहब्बत है कायम अजल से अबद मुहब्बत मुलायम हसद भी किसी से मुलाबस ये रहती है पाकीज़गी से कभी भी ये शेखी नहीं मारती है कि नफ़वत इसी से सदा हारती है तकब्बुर से हरगिज़ नहीं भूलती है हलीमी का दामन नहीं छोड़ती है नज़ेबा कोई काम करती नहीं है ये वादों से अपने मुकरती नहीं है जाते रहेंगे जवाल और बस्ती का किस्सा बनेंगे हर एक शैफना का हवाला बनेगी मोहब्बत बता का उजाला बनेगी अजल से अब तक रहेंगे मगर इनमें अफजल मोहब्बत है प्यारे मगर इनमें अफजल मोहब्बत है प्यारे के नामे खुदा है मोहब्बत ही प्यारे हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड देखिए वही जो बात हम कह रहे थे कि ये बड़ी इसकी जो खूबसूरत बेस है जिसको मोहब्बत की इंजील कहा जाता है पहला ग्रंथ उसका 13 बाब तो उसको उन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ गाया बहुत बड़ा बहुत मैं समझता हूँ बाबरकत तो अजीजो आपकी बाइबल आपकी नोटबुक आपके पास होनी चाहिए आइए खुदा का पाक कलाम तलावत करते हैं मुकाशफा की किताब उसका 7 बाब 9 आयत से लेकर बाब के आखिर तक सफर नंबर 247 पर है उर्दू की बाइबल में द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 9 टू द एंड ऑफ द चैप्टर वर्स 17 आइए खुदा उनका पाक कलाम सुनते हैं उमर गुम है इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रे के आगे खड़ी है
और बड़ी आवाज से चला चला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बरे की तरफ से, और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सिजदा करके कहा, आमीन, हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुलबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफेद जामे पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं। मैंने उसे कहा कि आए मेरे खुदावन, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकलकर आए हैं। उन्होंने अपने जामे बर्रे के खून से धोकर सफेद किए हैं, इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने हैं और उसके मकदस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा। इसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी, ना प्यास, ना कभी उनको धूप सताएगी, ना गर्मी, क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है वो उनकी गलाबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। खुदा उनके जिंदा मोतबर लाखता लादबील पाकलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। आइए जीजो, हम दुआ मांगे खुदा उनके खादम के लिए, खुदा उनके पाखलू की मामूली चाहे। कदूस जिंदा पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं तेरे कलाम की सच्चाइयों के लिए और प्यार खुदा इस बात के लिए कि तेरा पाक रू हमारे अंदर सुकूनत करता है। इस वक्त खुदा हम पास्टर जैन के लिए दुआ करते हैं, खुदा अपने बंदा को छू ताकि तेरे मुंह की बातें तेरे लोगों तक तेरे पाक कलाम की रोशनी में, तेरे पाक रू की रहनमाई में उन बातों को पहुंचा सके। बड़ी बरकत देना, यीशु के बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जो लोग अभी जिन्होंने ज्वाइन किया, जो पहले इस बात को नहीं जानते, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि पास्टर जैन एल्बर्ट का ताल्लुक जो है वो क्यूमाबाद जो चर्च है वहां से है और खुदा की खिदमत कर रहे हैं। इनके जो वालिद हैं वो भी पास्टर हैं, पास्टर एल्बर्ट, और इसके साथ साथ ये बड़े अच्छे गॉस्पल सिंगर भी हैं। हम इनके गीत अभी हमने सुने, हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो वक्त जाया के बगैर हम खुदा के खादम को दावत देते हैं कि जो भी आज खुदा ने पाक कलाम ने सौंपा है वो उसे खुदा के लोग तक पहुंचाएं। जैसे कि हम जानते हैं कि हम इन दिनों बात करें किंगडम ऑफ गॉड की, खुदा की बादशाही की, तो आज इस हवाले से वो हमारे साथ खुदा के पाक कलाम को बांटेंगे। तो पास्टर जी, वेलकम टू यू, आप खुदा का पाक कलाम हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच बाबा जी, वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल आपके लिए और सबसे बढ़कर अपने मुनज्जी खुदावन मसीह के लिए। मेरा दिल आज सुबह, मैं सुबह जब अपना पर्सनल डिवोशन कर रहा था तो आई वॉज क्राइंग इन प्रेयर के खुदा ने कैसा बड़ा फजल हम पर किया है, हम पर कैसा उसने रहम किया है कि हम जिल्लत के बर्तनों को उसने इज्जत के बर्तन बना दिया है। वो बर्तन जो शोकेस से बाहर पड़े हुए थे, वो बर्तन जिन्हें कोई ले नहीं रहा था, जो शोकेस की जीनत नहीं थे, जो खूबसूरत नहीं थे, उसने हमें लिया है अपने बेटे के खून से, हमें खूबसूरत करके, हमें नया करके, हमें सेंच कर, बाबरकत करके उसने हमें इस काबिल बना दिया कि हम उस शोकेस की, उस डिवाइडर की जीनत बन सकें जो खुद जिस पर हम बात करने लगे हैं और वो उसकी आसमान की बादशाही है। और मैं शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर सारे व्यूवर्स का जो देखते हैं, और बाबा जी से मुझे फीडबैक मिलता रहता है कि चर्च बहुत पसंद कर रहा है, लोग बरकत पा रहे हैं। मेरी खुद की दादी भी उन्हीं के चर्च की मेंबर हैं, वो भी बताती हैं कि कलीसिया में अक्सर लोग जिक्र करते हैं कि कलाम से लोगों ने बरकत पाई है। सारा जलाल, सारी इज्जत हमारे चैंपियन, हमारे मुनज्जी खुदा यीशु मसीह को मिलता रहे, जिसकी ये इंजील है, जिसका ये कलाम है। और फिर बाबा जी का जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। ये मेरे स्पिरिचुअल फादर भी हैं, मेरे बाप भी हैं, रूहानी पेशवा भी हैं, और जब भी मैं इनसे बात करता हूँ उनकी मसरूफियात की बिना पर हमारी बात इतनी ज्यादा नहीं हो पाती क्योंकि टाइम डिफरेंस भी है, लेकिन जब भी मेरी उनसे बात हुई है, जितनी भी मुद्दत के लिए हुई है, उन्होंने हमेशा इनकरेज किया है, हमेशा मुझे उन्होंने अप्रिशिएट किया है, मेरी हौसला अफजाई की है कि मैं और ज्यादा तरक्की कर सकूं। कलाम भी यही कहता है कि जब खुदा हमारी हौसला अफजाई करता है तो फिर हम उसमें दौड़ते हैं, फिर हम उसमें भागते हैं। सो
मैं वक्त को जाया किए बगैर, क्योंकि जो ये टॉपिक है मेरे ख्याल से ये ऐसा टॉपिक है जो कभी ना खत्म होने वाला है, जिसको अगर हम सारी जिंदगी भी इस टॉपिक के बारे अगर हम बात करें तो मेरा ईमान है कि हम इसको कंक्लूड नहीं कर सकते। ये ऐसा टॉपिक है, एक जबरदस्त हिस्सा जो अभी बाबा जी ने भी आयत के एंड में पढ़ा, यही सेम बात मैं मुकाशवा की किताब के 21वें बाब की 4th आयत से पढ़ना चाहता हूं। मैं आप सबको बताता चलूं कि पिछले ही हफ्ते मेरे ब्रदर इन लॉ की डेथ हुई है और घर में बड़ा इस तरह का माहौल था। मेरी वाइफ काफी डिप्रेस थी, मेरे इन लॉज काफी डिप्रेस थे क्योंकि वो सबसे बड़ी है घर में। तो छोटे बहन भाइयों को बाबा जी आप जानते हैं ऐसे ही पाला होता है जैसे बच्चों को पाला हो। तो वो उसका सबसे छोटा भाई था, ही वॉज जस्ट ओनली 21, वो सिर्फ 21 साल का था और उसकी डेथ हुई। तो खुदा ने मुझे अभी बैठे बैठे मेरी इंकरेजमेंट की और इसी बात को हम लेकर, ये बादशाही से कनेक्टेड है, किंगडम ऑफ गॉड से कनेक्टेड है। बेसिकली आज हम करेक्टरिस्टिक्स पर बात करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द किंगडम ऑफ द गॉड, के खुदा की बादशाही की खसूसियात क्या है, वहां पर क्या चीजें होंगी, वहां पर हम क्या कर सकेंगे, वहां पर हम क्या नहीं कर सकेंगे। तो इस बात से मैं शुरू करना चाहता हूं जो मेरे लिए बड़ी आज सुबह हौसला अफजा थी। मुकाशवा की किताब उसका 21वां बाब और 4th आयत में पढ़कर आगे बढ़ना चाहता हूं। सो खुदावन के कलाम में लिखा है, और वो उनकी आंखों के, यानी खुदावन मसीह, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। सिर्फ आंसू नहीं पहुंचेगा, सुनिए होगा क्या, ये उसकी बादशाही है। अगर इसका आप उन्वान पढ़ें 21वें बाब का, तो पढ़ लिखा हुआ है नया आसमान और नई जमीन। सो नए आसमान और नई जमीन जो उसकी बादशाही है, जो उसकी किंगडम है, उसमें वो उनकी सब उनकी आंखों के आंसू पहुंच देगा। फिर होगा क्या, और ना मातम रहेगा, ना आहो नाला रहेगा, ना दर्द, पहली चीजें जाती रहेंगी। और जो तख्त पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा, लिख, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। नो डेथ, नो टीयर्स। आसमान की बादशाही में जो डिक्शनरी है उसमें लफ्ज मौत नहीं है। जब मैं और आप और बाबा जी जब हम आसमान की बादशाही में होंगे तो हम एक दूसरे से पूछेंगे, जी मौत लफ्ज आपने कभी सुना है? तो आप कहेंगे, यार मैंने तो कभी मौत लफ्ज नहीं सुना है कि शायद होंगी यार मौत के बारे में, मैं तो नहीं सुनया कभी। उस जगह पर, उस जेब में मौत के सिक्के ही नहीं है, उधर मौत है ही नहीं है, उधर सिर्फ जिंदगी है। अच्छा, जिंदगी दोनों के पास है, जिन्होंने हमेशा की आग में जाना है जिंदगी उनके पास भी, अगर वो वहां जाकर मर गए तो फिर तो सजा खत्म हो गई, जिंदगी उनके पास भी है। लेकिन उस जिंदगी में दांतों का पीसना है, उस जिंदगी में हमेशा का रोना है, उस जिंदगी में आग और गंधक की झील है। लेकिन जो जिंदगी हमारे पास है उस जिंदगी में बर्रा है, बरे का तख्त है, उसके लोग हैं और उसकी प्रस्तिश है, और वो सारे आंसू हमारे पहुंच देगा। ना मौत रहेगी, ना दर्दें रहेंगी। बेसिकली मौत ही सारी फसाद की जड़ है, उसने मौत को ही हरा देना है, मौत को खत्म कर देना है। वहां सिर्फ जिंदगी होगी, इटर्नल लाइफ होगी, जो हमसे कभी छीनी ना जाएगी। ये बेसिकली सबसे पहली पावरफुल बात जो उसकी आसमान की बादशाही के बारे है, कि उसकी आसमान की बादशाही में सबसे पहले मौत नहीं है। इस जमीनी बादशाहियों में मौत है, जमीन पर मौत है, और मौत हकीकी है, वाजबी है। कलाम में मैं कल भी किसी को एनकरेज कर रहा था, अय्यूब अपनी किताब में कहता है जो औरत से पैदा हुआ है वो थोड़े दिनों का दुखों से भरा हुआ है, उसकी मियाद कम है, उसकी लिमिट कम है। लेकिन वो जिंदगी जो हमें आसमान पर जाकर आसमान की बादशाही में मिलनी है वो अनलिमिटेड है, वो इटर्नल लाइफ है। सो ये टॉपिक बड़ा जबरदस्त है। मैं हमेशा, जब भी मैं पिछले दिनों बाबा जी से डिस्कस कर रहा था कि मैं ऑलरेडी अपने चर्च में इसकी सीरीज पर हम बात कर रहे थे आसमान की बादशाही पर, सो उसी में से चंद चीदा चीदा बातें आज जरूर मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों की भी हौसला अफजाई के लिए, आप लोगों की तरक्की के लिए भी जरूर शेयर करूं। आसमान की बादशाही, बेसिकली ये बादशाही वो बादशाही है जिसके बादशाह की रान और पोशाक पर यह नाम लिखा है कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदामंदों का खुदा है। रान और पोशाक पर नाम से क्या मुराद है, मुकाशवा ही कह सकता है। बेसिकली उस दौर में जब बादशाह होते थे बाबा जी, तो उन्होंने अपनी तलवार के ऊपर अपना नाम लिखवाया होता था, उन्होंने इनग्रेव करवाया, इम्बोस करवाया होता था अपनी तलवारों पर नाम, ताकि लोगों को पता लगे कि ये इस बादशाह की तलवार है। ठीक है, तो वो जब ऐसे उसको तलवार को म्यान में रखते थे, जब उसको अंदर डालते थे, तो वो तलवार उनकी रान के साथ टच होती थी।
तो इस कॉन्टेक्स्ट में वहां लिखा हुआ है कि उसकी रान पर और उसकी पोशाक पर ये नाम लिखा है कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदामदों का खुदा है, यानी दुनिया के बादशाह, दुनिया के लोग, दुनिया की हुकूमतें, दुनिया की सल्तनतें सब उसके आगे आकर, आगे आपने पढ़ा भी है, सब अहले जुबान उसी के आगे आकर सिजदा कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, मान लेंगे, इस बात पर आमादा हो जाएंगे कि अगर कोई बादशाह ही है तो वो सिर्फ आसमान की बादशाही है, इसके अलावा और कोई बादशाही नहीं है। एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, उसने पूरी कई मुल्कों को उसने फतह किया, मेरा नाम मेरे ज़हन में उसका नाम नहीं आ रहा। उसने अपने आखिरी आयाम में कहा, जब वो मरने वाला था, उसने कहा कि मैंने तो, हाँ जी, अलेक्जेंडर द ग्रेट भी है, लेकिन उसके अलावा एक और है, मैं आपको बताऊंगा, नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा था पिछले दिनों। वो बहरहाल बादशाह कहता है, वो कहता है कि मैंने कई मुल्कों को फतह किया है और मैंने अपनी तलवार के जोर पर अपने आप को मनवाया कि मैं बादशाह हूं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं एक ऐसे बादशाह को जान गया हूं जिसने तलवार से नहीं बल्कि अपनी सलीब से दुनिया को जीता। वो कहता है मैंने तो लोगों को मार कर, लोगों को कत्ल करके बादशाही कायम की है, लेकिन उसने लोगों को मार कर नहीं बल्कि खुद मरकर अपनी बादशाही कायम की है, और उस बादशाही का कभी आखिर नहीं होगा, और उस बादशाह का नाम खुदावन यीशु मसीह है। याद रखिए कलीसिया के लिए जो यूनानी लफ्ज है वो एक्लीजिया इस्तेमाल हुआ है। एक्लीजिया का मतलब होता है अलग किए गए लोग, लोगों की असेंबली। कलीसिया को खुदा का घर भी कहा गया है, जिसमें वो रहता है, जिसमें वो चलता फिरता है। फिर कलीसिया को मसीह का बदन भी कहा गया है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट भी कलीसिया को कहा गया है, जिसमें वो सुकूनत करता है, जिसका मतलब है वो चर्च में सांस लेता है, वो चर्च में रहता है, वो उसका घर है, ठीक है, वहां पर रहना उसे पसंद है। पौलुस रसूल क्रंथस की कलीसिया को खत लिखते हुए कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम रूहुल कुछ का यानी खुदा का मकदस हो, उसका घर हो। फिर तीसरी बात, कलीसिया को मसीह की दुल्हन भी कहा गया है, जिसका मानी यह है कि कलीसिया उसकी मोहब्बत और उसकी तस्कीन है। लेकिन इन सब बातों से बढ़कर, मैं बेसिकली कॉन्टेक्स्ट इसलिए बता रहा हूं, इन सब बातों से बढ़कर कलीसिया को मसीह की बादशाही का तसव्वुर भी कहा गया है, कि कलीसिया बेसिकली मसीह की बादशाही है, आसमान की बादशाही का एक बेहतरीन तसव्वुर है, एक बेहतरीन ख्याल है। मैं जिस बादशाह की आज यहां पर बात करने वाला हूं, जिसकी बादशाही में हम सब ने जाने, उसके बारे में जरा पढ़ लें कि जबूर नवीस क्या कहता है। बाबा जी जबूर 10 अगर हम निकालें और उसकी 16वीं आयत, बड़ी जबरदस्त, आज सुबह ही मैं इस आयत को जब मैं मेडिटेट कर रहा था इस कलाम को, तो मेरे जहन में खुदा ने डाली कि क्या जबरदस्त वो बादशाह है। जबूर 10 उसकी 16वीं आयत देखिए। सो खुदावंद के कलाम में इस तरह से लिखा है, मिल गया, पढ़ूं? जी पढ़ें। खुदावन लिखा हुआ जबूर 10 उसकी 16वीं आयत में, खुदावन अब्दुल अबाद बादशाह है। वाह, व्हाट अ वर्ड बाबा जी, कब तक? अब्दुल अबाद फॉर एवर बादशाह है, कौमें उसके मुल्क में से नाबूद हो गई, यानी जो बादशाही उसकी होगी ना, जहां उसने बादशाही करनी है, वहां सिर्फ वही एंटर हो सकेंगे जिसके पास उन बादशाही की सिटीजनशिप है, जिनके पास उस बादशाही का एक्सेस है। मुझे यहां पर एक वाक्य याद आ रहा है, आप लोगों ने भी बाबा जी देखा होगा, जब जो बाइडन और ट्रंप एक्सचेंज हो रहे थे, ट्रंप अपना सामान लेकर निकल रहा था व्हाइट हाउस से, बीबीसी ने कवर किया, हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था, जॉन बाइडन अपना सामान लेकर अंदर जा रहा है व्हाइट हाउस में और ट्रंप अपना सामान लेकर बाहर निकल रहा है व्हाइट हाउस से, ये लाइव दिखा रहे थे हमने पाकिस्तान में देखा। तो जब मैं ये देख रहा था तो पाकरू मुझसे हम कलाम हुआ, इस आयत से रिलेटेड बात करने लगा। उसने कहा, पास्टर ज़हन ये देख ले, ये दुनिया की बादशाहियां हैं, एक आ रही है और एक जा रही है, ये भी कायम नहीं रहेगी, जॉन बाइडन भी चला जाएगा, क्वीन चली गई है, शहजादा चार्ल्स आ गया, शहजादा चार्ल्स भी नहीं रहेगा, दूसरा कोई आ जाएगा, लेकिन जिस बादशाही में मेरे लोगों ने आना है वहां सिर्फ एक ही बादशाह है और उस बादशाह का नाम खुदावंद यीशु मसीह है, वो कभी चेंज नहीं होगा, वो अब्दुल अबाद बादशाही करता है, वो सदा के लिए बादशाह है। ऐसी बादशाही नहीं है जिसमें वो थोड़े दिन के लिए बादशाही कर रहा फिर वो चला जाएगा। बेसिकली जब लोग उसे लेकर जा रहे हैं, होशना के नारे लगा रहे हैं खजूरों के द्वार पर, तो वो इसलिए तो उसे लेकर जा रहे हैं कि वो बादशाह जो हमें रोमन एम्पायर से छुड़वाएगा, तलवार लेकर आएगा, लड़ाई करेगा। लेकिन जैसे ही वो उसे लेकर के, उसने बोला ये तो कोई और ही बादशाह है, ये तो कह रहा है मैं सुलह और सलामती का बादशाह हूं। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसको आप सलीब ही दे दो, हमें ये नहीं चाहिए। तो उन्होंने उसे सलीब की तरफ गामजन कर दिया, क्योंकि उनके तस्वुर में, उनके ख्याल में वो इंसानी बादशाह था जिसने तलवार लेकर आनी थी, जिसने जंग बर्पा करनी थी। लेकिन मैं वही बात फिर करूंगा, उसने जंग से नहीं,
बल्कि अपनी मोहब्बत से अपनी बादशाही को कायम किया। और आसमान की बादशाही और कोई कुछ नहीं बल्कि वो खुद आसमान की बादशाही था। बार बार वो कहता रहा देखो आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तो वो अपने बारे कहता था कि आसमान की बादशाही तुम्हारे दरमियान में है। हम आसमान की बादशाही में जाएंगे नहीं बाबा जी, ये तसव्वुर ये खुदा ने मुझे इल्हाम दिया, उसने मुझे बोला तू आसमान की बादशाही में जाएगा नहीं बल्कि तू ऑलरेडी आसमान की बादशाही में है। क्योंकि जब हम निजात पा जाते हैं, मसीह को कबूल कर लेते हैं, उसे बादशाह मान लेते हैं, तो फिर हम उसकी बादशाही के सिटीजनशिप हो जाते हैं, सिटीजनशिप हमें मिल जाती है, हम सिटीजन बन जाते हैं उसकी बादशाही के। अगली बात, किसी भी हुकूमत को जानने से पहले या उधर जाने से पहले, किसी भी मुल्क में जाने से पहले बाबा जी हम वहां की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि वहां पर लोग कैसे होंगे, वहां पर मौसम कैसा होगा, वहां की खुराक कैसी होगी, वहां पर एनवायरनमेंट कैसा होगा, वहां का रहन सहन कैसा होगा। सो सबसे पहली बात जो मैं यहां पर करना चाहता हूं, उस जगह पर आसमान की बादशाही में आपके ताल्लुकात काम नहीं आने, आपके रिलेशनशिप काम नहीं आने। पहली बात कहां से उठा रहा हूं, मैं आपको इसका रेफरेंस दूंगा, अमीर आदमी और गरीब लाजर दोनों चले गए ऊपर। बाबा जी आज के दौर में जितने ताल्लुकात, जितने रिलेशनशिप अमीर आदमी के, मुझे पता है गरीब आदमी के होते हैं, जितने अमीर आदमी के सीएम से भी जान पहचान होती है, पुलिस वालों से भी जान पहचान होती है, और एमपीए से भी जान पहचान। हमारे यहाँ हमारे पाकिस्तान में तो बड़ा फखर समझा जाता है जी फलां एमपीए मेरा जानने वाला है, फलां एसएचओ मेरा जानने वाला है। तो ये अमीर आदमी आसमान पर गया है और इसके कोई ताल्लुकात, कोई रिलेशनशिप ऊपर काम नहीं आ रहे। गरीब लाजर को कह रहा है कि अपनी उंगली का सिरा भिगोकर ला और मेरी जुबान पर रख दे। कोई रिलेशनशिप ऊपर काम नहीं आने, कोई आपके जितने मर्जी जमीन पर एमपीए जानने वाले हों, आपके पुलिस वाले जानने वाले हों, ऊपर आसमान की बादशाही में सिर्फ एक ही ताल्लुक चलेगा, सिर्फ एक ही रिलेशनशिप चलेगा, और वो रिलेशनशिप मसीह खुदावंद के साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके अलावा और कोई आपकी सोर्स काम नहीं आनी, कोई आपके और जो ताल्लुकात है काम नहीं आने, सिर्फ एक ही काम आएगा और वो मसीह खुदावंद के। वहां पर देयर विल बी नो, दूसरी बात देयर विल बी नो हॉस्पिटल। वहां पर कोई हॉस्पिटल नहीं है वहां पर, क्योंकि बीमारी है ही नहीं है वहां पर, बीमारी का नाम ही नहीं है, सिर्फ जिंदगी है, दुख नहीं है वहां पर, परेशानी नहीं है वहां पर। आसमान की बादशाही में जहां पर वो खुद बादशाही कर रहा है, आसमान की बादशाही के लिए, अगली बात जो मैं करना चाहता हूं, आसमान की बादशाही के लिए चंद एक नाम और भी इस्तेमाल हुए हैं, मैं आगे करता हुआ बात आगे बढ़ जाना चाहता हूं। आसमान की बादशाही को बाबा जी खुदा की बादशाही या खुदा की सल्तनत भी कहा गया, रेफरेंस लिखते जाइएगा। अगर इसका रेफरेंस आप देखना चाहें तो मत्ती की अंजील 19वें बाब की 23-24 आयत और जबूर 145 उसकी 13वीं आयत में। इसके साथ साथ इसको डोमिनियन ऑफ गॉड भी कहा गया है, सल्तनत खुदा की, डोमिनियन। इसके लिए अगर आप देखना चाहे रेफरेंस तो जबूर 22 उसकी 28 आयत में आपको मिल जाएगा। मैं रेफरेंस नहीं पढ़ रहा, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, आप जरूर इन्हें पढ़ लीजिएगा जो लोग सुन रहे हैं हमें देख रहे हैं। इसके अलावा तीसरी बात, इसे गवर्नमेंट ऑफ गॉड भी कहा गया है, खुदा की हुकूमत भी कहा गया है। यसाया 9:6-7 आयत में आपको इसका रेफरेंस मिलेगा। इसे मसीह और खुदा की बादशाही भी कहा गया है, इफिसियों 5:5 में हमें इसका जिक्र मिलता है। खुदा के अजीज बेटे की बादशाही भी इसे कहा गया है, इसे कुलसियों 1:13 आयत में मिलेगा। और फिर मसीह यसू की बादशाही भी कहा गया है, 2 पत्रस 1:11 आयत में। और फिर इसे फिरदौस भी कहा गया, मुकाशवा की किताब उसके 2:7 आयत में हमें इसका जिक्र मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, आसमान की बादशाही में जो सबसे अहम बात, जो लास्ट रेफरेंस मैंने अभी, तीसरा रेफरेंस जो मैंने पढ़ा है, यहां पर कलीसिया वहां पर हुकूमत करेगी। बेसिकली कलीसिया वहां पर जो है खुदा की बादशाही में खुदा के साथ, अगर आप रेफरेंस देखना चाहें तो मुकाशवा की किताब में से निकालिए उसका 4:20 आयत में पढ़ना चाहता हूं। आठवीं आयत, सॉरी पढ़िएगा, आठवीं आयत में पढ़ूंगा।
और इन चार जानदारों के छह छह पर हैं और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं, और रात और दिन बगैर आराम लिए ये कहते रहते हैं कि कुदूस 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 खुदावंद कादर मुतलिक जो था और जो है और जो आने वाला है। ये बेसिकली उसकी प्रस्तिश की अकासी है, ये बेसिकली उसकी सिताइश, उसकी प्रस्तिश, उसकी हम जो कलीसिया ने आसमान पर जाने के बाद करनी है। मुझे यहाँ पर पॉल दीना करन साहब की एक गवाही मैं यहाँ पर कोट करना चाहता हूँ, मैंने पढ़ी उनकी किताब में। वो कहते हैं कि मैं अक्सर दुआ किया करता था कि खुदावन मुझे रोया में आसमान की बादशाही पर, आसमान की बादशाही दिखा के आसमान पर कैसा माहौल है, आसमान पर कैसे लोग हैं, आसमान का एनवायरमेंट क्या है। वो कहते हैं कि मुझे एक दफा खुदा का फरिश्ता आसमान की बादशाही में ले गया और वो मुझे आसमान की बादशाही का टूर करा रहा है कि ये जगह है। और वो कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे खूबसूरत परिंदे नहीं देखे, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी खूबसूरत फल नहीं देखे, मैंने अपनी जिंदगी में वो कलर्स नहीं देखे जो आसमान की बादशाही में मौजूद है। फिर आगे जब थोड़ा आगे जाते हैं तो वो कहता है कि मैंने एक आवाज सुनी और बहुत खूबसूरत एक वर्शिप की आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी कि बहुत खूबसूरती से कोई सिताइश कर रहा है। तो मैंने डरते हुए फरिश्ते से पूछा कि ये किसकी आवाज है, तो वो कहता है कि फरिश्ता मुस्कुराया और मुझे कहने लगा कि ये दाऊद की आवाज है, ये दाऊद वर्शिप कर रहा है। और अगली बात ने मुझे और खुदावंद की हुजूरी और उसके जलाल से भर दिया। वो कहता है कि जब दाऊद अपनी जमीनी जिंदगी पूरी कर आसमान पर पहुंचा तो उसने खुदा को रिक्वेस्ट की कि खुदावंद मैं जमीन पर तेरी उस तरह से प्रस्तिश नहीं कर सका जिस तरह मुझे करनी चाहिए थी, जिस प्रस्तिश के तू लायक था। तो वो कहता है फिर खुदा ने उसको कहने पर, उसके कहने पर उसे फरिश्तों की एक बहुत बड़ी क्वायर दी है जिनको खुद दाऊद आसमान पर लीड करता है और वो मिलकर खुदावंद की सिताइश और उसकी प्रस्तिश करते हैं। मैं हमेशा बाबा जी बतौर वर्शिपर एक बात हमेशा मैं कोट करता हूं कि प्रस्तिश जो है बेसिकली उस प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस है जो हमने आसमान पर जाकर करना है। जब हम साइंस लेते हैं तो प्रैक्टिकल, इससे पहले कि हम लेबोरेटरी में करें या हम अपना फाइनल प्रैक्टिकल दें, हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं कि ये प्रैक्टिकल हमने करना है किसी भी काम की प्रैक्टिस। तो वर्शिप बेसिकली खुदावन की जो हमने आसमान पर जाकर करनी है, जो हम जमीन पर करते हैं, ये उसकी प्रैक्टिस है। अगर आप यहां आपका प्रस्तिश में दिल नहीं लग रहा, यहां प्रस्तिश आपको भली मालूम नहीं हो रही, तो याद रखिए आसमान पर और कोई काम नहीं। मैं हमेशा कहता हूं आसमान पर ना कोई शॉपिंग करने जाना है, आसमान पर ना कोई खाना बनाना है, आसमान पर और ना कोई दूसरी चीज है। लाइट भी नहीं, वहां केसी वालों की भी नहीं चलनी, केसी का भी कोई काम नहीं, वहां पर बर्रे का इतना नूर है केसी चाहिए ही नहीं, केसी वालों का भी काम जमीन पर रह जाना है। कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए आसमान पर हमें, वहां बर्रे का ऐसा नूर है, ऐसा उसका नूर जलवागर है कि हर चीज उसके नूर से जो है वो जलवागर है। तो आसमान की बादशाही में सिर्फ हमने प्रस्तिश करनी है, प्रस्तिश करनी है और सिर्फ प्रस्तिश करनी है। ये बात बिल्कुल सच है कि जो कुछ भी हम एज ए चर्च कलीसिया खुदावंद के जो लोग हैं, जो कुछ भी हम इस जमीन पर कर रहे हैं, ये एक प्रैक्टिस है, ये एक ऐसा अमल है जो हम मशरी सौ कहा जाता है, ये हम कर रहे हैं। और जो काम है जो खुदा उनकी हमद सना करना है, उसकी तारीफ करना है। और अभी जैसे कि पास्टर जी ने बताया भी कि वहां पर ना मौत होगी, ना हो नाला होगा, ना दर्द होगा, और हम उसके चेहरे को देखेंगे, और ये सबसे बड़ी जो बात है। और खुदा मसीह ने ये फरमाया कि मुबारक है जो कि पाक दिल के खुदा उनको देखेंगे, तो पाकी बहुत जरूरी है। और खुदा उनकी हमद सना करना, अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप आसमान पर खुदा उनकी तमजीद और स्टाइश उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। बस बहुत ही खूबसूरत पैगाम आपका, और मैं समझता हूँ कि हमारे पास वक्त जो है बड़ा महदूद होता है, लेकिन इसके बावजूद आपने इतनी खूबसूरती के साथ लोगों को इनकरेज किया कि हम इस दुनिया में रहते हुए खुदा उनकी मर्जी को पूरा करें और खौफ ना करें। जैसे कि अपने आज ओपनिंग डिवोशन में भी सीखा कि जब हम खुदा उनके पास होंगे तो वहां पर हम अब्दुलबाद खुदावन के साथ रहेंगे और खुदावन के हजूर हम उसकी नगमा सराई करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। और जैसे कि आपने भी बताया कि वहां पर हमने कोई हॉलिडे के लिए नहीं जाना, बल्कि खुदावन के साथ रफाकत और हमेशा की रफाकत है। exactly. खत्म होने वाली रफाकत, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जैसे कि जो वो लोग जो कि अब्दी हलाकत में होंगे, जो कि खुदावन पर ईमान नहीं लाते, वो अब्दी हलाकत में जाएंगे, और जो खुदा से प्यार करने वाले हैं वो अब्दी जिंदगी पाएंगे।
तो इसलिए बहुत सारे लोग सोचते हैं चले जी चार दिन की जिंदगी है और खा पी ले मौज कर ले फिर तो कल तुम्हारी तो जाना है। तो लेकिन ये बात याद रखें कि वो कलाम हमें सिखाता है कि उनका कीड़ा भी नवाब बनवा वो अबधि हलाकत में होंगे, वो जो गंधक और आग की झील है वो अबधि हलाकत है। और अगर आप खुदाम से प्यार करते हैं खुदाम के हुक्मों को मानेंगे तो आप अबधि जिंदगी पाएंगे। हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं इस बाइबल स्टडी के लिए। आपको बाइबल स्टडी कैसी लगी आप जरूर अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा, हम इस बात को जारी सारी रखेंगे। कल हम इसके जो नेक्स्ट जो सिलसिला उसको हम देखेंगे हजार साल बादशाही के बारे में। और मैं पास्टर जी बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ, खुदा आपको बड़ी बरकत दे और यकीनन बहन भाइयों आप सब ने भी बरकत पाई। आप हमें जरूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा क्योंकि देखें जब आप कलाम को सुनते हैं आप खुदा के साधुओं की हौसला अफजाई करते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी एक तकवीयत का बायस होती है। तो इसमें कंजूसी ना किया करें, बताया करें कि जी हाँ जी हमें अच्छा लगा पैगाम। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, वो भी बात आ रही है। बिल्कुल सही बात आ रहे हैं। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो जैसे बता रहे हैं पास्टर जैन के आप उसका सवाल कर सकते हैं और हमें खुशी होगी आपके सवाल का जवाब देकर। तो पास्टर जैन मैं जाते जाते सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा हमें जो प्रेजेंट सिचुएशन है क्योंकि ऑन ग्राउंड जो रियलिटीज हैं वो उनको आप बेहतर तौर पर जानते हैं क्योंकि जो लोग हमें बता रहे हैं वहाँ पे जो हालात है आफ्टर फ्लड, तो अभी आपने बताया कि चर्च का काम भी शुरू हो चुका है और इसी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी जो रिक्वेस्ट इसको पूरा किया और आपने चर्च के लिए अपनी जो सपोर्ट की डोनेशन जो भेजे। तो अभी जरा हमें बताइएगा कि जो लेटेस्ट जो समराइज कीजिएगा क्योंकि आपका चार पांच मिनट रह गए हैं। बिल्कुल करता हूँ बाबा जी, मैं इसी बात से आगे बढ़ता चलूंगा कि आपने जिस तरह से अभी दोबारा हाईलाइट किया मैं भी दोबारा अपने चर्च के प्लेटफॉर्म से आपका चर्च का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके दिए हुए हदिये से। वो जो था वो भी हमारे हदिये में शामिल हुआ और चर्च का काम बहुत जबरदस्त चल रहा है। तो गुलाम आपको बरकत दे बाबा जी। आपको पता है कि मैं अभी इस्लामाबाद से और मैं बाय रोड ही गया था और बाय रोड ही आया हूँ। लोग वहां पर मैं चार घंटे सखर में फंसा रहा हूँ सिर्फ चार घंटे क्योंकि पीछे गांव देहातों में पानी है और लोग हाईवे पर आकर बैठ गए हैं, लोग मोटरवे पर आकर बैठ गए और वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर से गाड़ियां गुजार दो हम क्या करें, पीछे हमारे घर डूबे पड़े क्योंकि हाईवे थोड़ा ऊपर होता है पीछे घर नीचे हैं। तो लोग अपने सामान लेकर झोंपड़े लेकर माल लेकर मवेशी लेकर हाईवे पर बैठ गए और बड़ी मुश्किल पुलिस उनकी रिक्वेस्ट कर रही है हाथ जोड़ जोड़ के कि सिर्फ गाड़ियां गुजरने दे पूरा मुल्क जैम हो जाएगा, आपने अगर हाईवे बंद कर दिया तो समझे पूरा मुल्क बंद कर दिया हमने क्योंकि वो कनेक्ट करता है पूरे मुल्क को आपस में। तो सिचुएशन इतनी वर्स्ट है, इन दिनों कपास का मौसम था, कपास लगनी थी ड्रूइंग जिससे बड़े जो आपके जो किसान है सर उनका बिजनेस होता है। तो वो कपास मैंने आते हुए क्योंकि जब बस रुक जाती थी तो हम उतर जाते थे सिचुएशन देखने के लिए, चार चार पांच पांच घंटे बस खड़ी रहती थी। तो हम उतरे हमने देखा कि लोगों के सर वो हाथ जोड़ रही हूँ, वो कह रहे हैं ये जो गायें हैं बैल हैं भेड़े हैं ये हमारा एहसास है, हमें कुछ ना दे, हमें इनके लिए वैक्सीनेशन दे दें, हमें इनके लिए मच्छरदानियां दे दें, हमारे बच्चे मर रहे हैं सर डेंगू इतना ज्यादा है। अब वो तो था ही वहां पर कहते हैं अब सैलाब तो था ही, अब लोग बीमारियों से मर रहे हैं, गंदा पानी खड़ा हुआ है सैलाब का जिसमें बीमारियां पैदा हो रही हैं और पीने के लिए पानी नहीं। मैंने खुद देखा है कि लोग जो लोग उतर रहे हैं आई एम रियली सॉरी बसेस से उतर रहे हैं वो वहीं पर जो है वो यूरिन पास कर रहे हैं उस पानी में और वो लोग वहीं से पानी उठा कर पी रहे हैं। ऐसी सिचुएशन है। क्या क्या पैगाम आप हमारे जो नाजरीन इस वक्त जो प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उनके लिए कपड़ों का भी और ब्लैंकेट वगैरह जो हम इकट्ठे कर रहे हैं, होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल बी एबल टू डिस्पैच ऑल दीस थिंग्स और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हालात ठीक हुए तो मैं खुद भी वहां पर आऊंगा नवंबर में। लेकिन क्या पैगाम आप इन हालात की रोशनी में अपने इन बहनों भाइयों को देना चाह रहे हैं जो कि यूरोप में है, अमेरिका, कनाडा में, सऊदीया में है, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, क्या पैगाम आप देना चाहते हैं? बाबा जी देखें मैं क्योंकि कलाम का खादिम हूं और मैं हमेशा कलाम से रेफरेंस दूंगा। कलाम में बुजुर्ग पौलुस कहते हैं कि अपने हाल पर नहीं बल्कि दूसरों के अहवाल पर भी नजर करो। इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है सर मैं कहता हूं कि पूरे मुल्क पूरी दुनिया को इस वक्त स्टैंड लेने की जरूरत है हर लिहाज से। हमें दुआ भी चाहिए यहाँ पर अपने लोगों के लिए और सिर्फ बल्कि हो सकता है कि क्रिश्चियंस कम हो, क्रिश्चियंस का रेशो हो सकता है कम हो लेकिन दूसरे पड़ोसी कौम के लोग हैं और यही वो वक्त है कि जब हम दिखाएं कि हमें क्या दर्स दिया गया है, हमें जिस खुदा की हम इबादत करते हैं उसने हमें क्या तालीम दी है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके बिहाफ पर ही आपके प्लेटफॉर्म से ही कि स्टिल वी नीड मैनी थिंग्स मैनी फंड्स के हम उनकी मदद कर सकें। खाना नहीं है, वो लोग कह रहे हैं हमें
आप राशन ना ला के दें, वो कह रहे हैं हम क्या करें, साटे का क्या करें, इस चीनी का क्या करें, हमारे पास घर ही नहीं है, हमारे पास चूल्हे ही नहीं है, हमें पका हुआ खाना ला दें, हमें कुछ चावल ला दें, हमें बिस्किट दे दें कि एटलीस्ट हम अपने बच्चों का पेट भर सकें। सो स्टिल आप खुद भी समझते इस बात को कि हमें बहुत सारी चीजों की स्टिल यहाँ पर जरूरत है। इवन हैदराबाद हमारे घर से जो है वो तकरीबन 1.5-2 घंटे की ड्राइव पर, हैदराबाद के बाद से सिचुएशन वर्स्ट होना शुरू हो जाती है और लोग सड़कों पर आकर, मैं आपको कह रहा हूं ना, हाईवे पर बैठ गए आके, वहां पर उनके ऊपर धूल पड़ रही है, मिट्टी पड़ रही है। उस दिन भी आते हुए एक बच्चा हाईवे पर खेल रहा था, आई एम रियली सॉरी, वो बच्चा खेलते हुए बस के नीचे आ गया, वो हाईवे पर खेल रहा था, बस स्पीड में आ रही थी और बस ने उस बच्चे को, वो 5-7 साल का बच्चा अपने टॉय से खेल रहा था और बस उसके ऊपर चढ़ गई। बहुत ही ये दुख भरी बातें हैं और बहन भाइयों, सिर्फ सुन लेना काफी नहीं है बल्कि हमें इस बात के लिए कुछ ना कुछ अमली तौर पर भी करना है। और मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो हमने सिलसिला शुरू किया है आप उसमें जरूर हमारा साथ दें और आप अपने जो हदिया जात हैं, ब्लैंकेट्स हैं, कपड़े हैं, वो इन सूरत में आप उन लोगों तक पहुंचाएं और आप देखेंगे हमारे वहां पर जो बिल्कुल, क्योंकि ब्लैंकेट्स की सर बहुत जरूरत होगी क्योंकि बस अब मौसम पाकिस्तान में चेंज हो रहा है तो लोग बैठे हैं, उनके ऊपर कपड़े नहीं है, तो मेरे ख्याल से ब्लैंकेट उनकी बहुत मदद करेंगे कि एटलीस्ट वो अपने बच्चों को जो है वो कवर कर सके। बस जन संडे को मैं अपनी जो पुरानी कलीसिया है, जो मेरा चर्च है पुरानी, मैं कह सकता हूँ कभी मेरे से वो प्यार करते हैं तो प्रोग्राम में भी वो आते हैं, तो मैं गया वहां पे और बहुत लोगों ने प्यार किया और उन्होंने कहा जी हम जो, किसी ने 5 किसी ने 10, उन्होंने कहा जी हम ब्लैंकेट जो है वो डोनेट करते हैं। तो होपफुली मैं कुछ करूँ कि जल्द अज जल्द सर्दी से पहले पहले ये सारा काम हो जाए। तो जो बहन भाई प्रोग्राम को देख रहे हैं आप इस लिंक को शेयर करें, अपने दोस्तों अजीजों को इनकरेज करें कि वो इस अच्छे काम में हमारा साथ दें और हम इस मान को जो है वो वहां पर पहुंचा सकें ताकि लोग जो है सर्दी के मौसम में वो सर्दी से महफूज रह सकें। तो आइए हम दुआ मांगते हैं क्योंकि वक्त बहुत हो चला है और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को देखा। थैंक यू सो मच बेटा, खुदा आपको और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें और प्लीज एक्सेप्ट आवर कंडोलेंस, आपके जो ब्रदर इन लॉ खुदा में सो गए हैं, हम आपके लिए, आपके घराने के लिए और खासतौर पर आपके मिसेस के लिए, बेटी के लिए हम दुआ करते हैं कि खुदा और तशरीफ बख्शे और हमें ये तौफीक दे के हम एक दूसरे की फिक्र कर सकें। तो आइए हम इन तमाम बातों को खुदा के तख्त के सामने पेश करते हैं और पास्टर जैन आप दुआ में रहनुमाई फरमाइए और जितने भी बहन भाई इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सब के लिए भी खुदा उनकी बरकत चाहे। आइए हम दुआ मांगें। आसमान और जमीन के जिंदा जलाली आसमानी बाप, मसीह यसु में हमारे बुजुर्ग अब्बा जान, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, ताजीम करते हैं खुदावन। आज ही हमने तेरे कलाम से सीखा है कि तू हमारी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा और खुदावन जिस बादशाही में हम जाने वाले हैं वहां पर ना आंसू है, ना दर्द है, ना मौत है, वहां सिर्फ मसीह है, उसका तख्त है, उसके लोग हैं और उसकी प्रस्तिश है। और मेरा ईमान है कि जब हम तेरे यहाँ आएंगे तो खुदावन वो घर जो तूने बनाया है, जहां हमने रहना है, तूने कहा कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। खुदावन उस बादशाही के घर तूने बनाए हैं, उसमें दुनिया की खुदा मिलावटें शामिल नहीं है, दुनिया के धोखे शामिल नहीं है, दुनिया की हर्ट्स शामिल नहीं है, क्योंकि खुदावन तू वफादार खुदा है, तू सच्चा खुदा है और हमेशा सच्चाई से अपने लोगों के साथ भलाई करता है। मैं खास तौर पर खुदावन पास्टर नोवेल के लिए, उनकी सारी कलीसिया के लिए, सारे लोगों के लिए जिन्होंने हमें सुना या जो बाद में सुनेंगे, खुदावन उनके दिलों को खोल दे, उनकी मुट्ठियों को खोल दे, खुदावन अपने आसमान के दरीचे उन पर खोल दे ताकि वो इस वक्त खुदावन खुदा हमारे वो बहन भाई जो पाकिस्तान में मुश्किल में है, तकलीफ में है, जो खुदावन उनकी तरफ नजरें लगाए बैठे हैं, अब ये मौका है कि हम मसीह की मोहब्बत उन तक लेकर जाएं, अब ये मौका है कि हम मसीह का प्यार उनको दिखाएं कि हम जिस मसीह खुदावन की इबादत करते हैं उसने हमें मोहब्बत का दर्स दिया है। उसने कहा अगर तेरे से कोई कुर्ता मांगे, चोगा मांगे तो उसे कुर्ता भी दे दे, उससे अपना सब कुछ दे दे ताकि इससे जाहिर हो जाए कि तुम मेरे शागिर्द हो। खुदावन हम सारी इस मिनिस्ट्री के लिए, मैं बुजुर्ग मामा जी के लिए भी दुआ करता हूँ, भाई के लिए भी जो कल वापस आए ट्रैवल करके, खुदावन तू उन्हें भी बरकत दे, हर लिहाज से ब्लेस कर दे खुदा, कलीसिया बढ़ती चली जाए, कलीसिया तरक्की करती चली जाए, बेदारी आए, रिवाइवल आए खुदावन, लंदन के अंदर, यूके के अंदर ये एक मिसाली कलीसिया बन जाए, उस दरख्त की मानिंद बने जिस पर खुदावन फल लगे हों, जिसकी शाखें मजबूत हो, जिसका तना मजबूत हो। और खुदावन बाबा जी को भी बुजुर्ग रहनुमा, बुजुर्ग पासवान खुदावन
کلیسیا کی گلا بانی کرنے کا فضل بخش دے. میں اپنے غم زدہ خاندان کو بھی تیری حضوری میں یاد کرتا ہوں, اپنی وائف کو, اپنے سارے خاندان کو, ان لاس کو بھی یاد کرتا ہوں خداون. اگر کوئی بیمار ہمیں دیکھ رہا ہے, تکلیف میں دیکھ رہا ہے, میں یسوع ناصری کے نام سے تیری الہی شفا ریلیز کرتا ہوں خداون. ہر طرح کی بیماریاں, کمزوریاں, مشکلات مسیح خداون کے نام سے جاتی رہیں. پھر ٹھہرائے ہوئے وقت پر موقع بخشنا کہ مل کر تیرے کلام کی امید سچائیوں کو سیکھ سکیں, یسوع مسیح کے نام سے. ہم خدا کی اس کائی دعا میں سب شامل ہوں. آئے ہمارے باپ, تو جو آسمان پر, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہ, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی. ہمارے روز جس نے اپنے گناہوں کو معاف کر دیا, پھر معاف کر نہ آزمائش ہو نہ کھائیں گے, برکت جو بادشاہی کی جلال بے شک. آمین. خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے, خداون آپ کے بدن, جان اور روح کی حفاظت کرے, آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا. اور ہمارے کا فضل خدا باپ کی محبت, پاکر کی رفاقت اور شاکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ, دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ, اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. تھینک یو پاسٹر جی, خدا آپ کو برکت دے. تھینک یو ویری مچ, خدا آپ کو برکت دے. سی یو. اور میں تمام ناظرین کے بھی شکرگزار ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کلام سے برکت پائی. ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا, اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا, اور خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.